प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में घोटाला, इन पर लगा आरोप। खीरी जनपद के पलिया तहसील स्थित ग्राम पंचायत भीरा खीरी के गांव मन्ना टांडा में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा शौचालय निर्माण में ग्रामीणों ने प्रधान व प्रधानपति और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं अधिकारी ग्राम पंचायत भीरा खीरी में हुए भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह हाल ग्राम पंचायत भीरा का जब सामने आया, जब ग्रामीणों ने मीडिया से पूरे मामले की शिकायत करने का दावा किया। लज्जा देवी ने बताया, ग्राम पंचायत भीरा को लेकिन विकास जीरो है। आप देख लीजिए, ये हमारे साथ है जो आवास के पात्र है, ये बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, आप देख लीजिए। ये बोल भी नहीं सकती हैं, चल नहीं सकती हैं, लेकिन इनको ना ही 60 साल की कोई सुविधा दी गई है, ना ही किसी प्रकार की इनको सुविधाओं से वंचित रखा गया है, ना ही आवास मिला है, ना ही शौचालय मिला है। आइए हम बात कराते हैं आपकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो लज्जा देवी। लज्जा देवी है। आपको आवास मिला है? हमको आवास नहीं मिला है। क्यों आवास नहीं मिला, क्या वजह? कहते हैं तुम्हारा बना है, टीन पड़ी है हमारी, कहते हैं बना है, नहीं मिला गया। अच्छा, आवाज बना है। ये माता जी कौन है आपकी? सास। ये सास है। अच्छा, इनको कुछ मिला नहीं मिला? 60 साल नहीं मिला। 60 साल नहीं मिला। क्यों पता नहीं। आपने कहा? हमने कहा दो चार बार कहा तो कहते हैं। किससे कहा? नहीं बनेगा। किससे कहा? प्रधान से भी कहा और जो उनको अधिकारी आते उससे कहा। तो इसका क्यों नहीं बजा, कोई वजह होगी क्यों नहीं बनेगा? पहले जब शुरुआत में इसका बना था, दो बार इसे पैसे मिले थे, हटके वो कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? हमको पता नहीं क्यों कटवा दिया। पैसा उसे मांग रहे थे क्या? पैसा उसे तो मांगे नहीं थे, कटवा दी, उसकी पेंशन नहीं आती है। नहीं, इसको क्यों कटवा देते? बुजुर्ग है, इस लायक है, इनको मिलना चाहिए। अब ना इसकी आवास मिल रही। शौचालय मिला? आवास भी नहीं मिल रही। शौचालय मिला? शौचालय मिला। शौचालय कहाँ बना है? ये बना। शौचालय का पैसा कितना मिला आपको? 12,000 मिला था, 1,000 ले लिया। किसने लिया? मुन्ना लाल ने। मुन्ना लाल ने 1,000 रुपए ले लिए और 11,000 आपको दिए? 11,000 दिए थे। 11,000 में ये बनवाया? हमने पास से लगा। तो मुन्ना लाल को आपने 1,000 रुपए क्यों दिया? वो कहने लगे हमारा बनता है। आपका बनता है? हाँ। क्यों? पता नहीं हमें क्यों बनता है। हमसे तो ले लिया 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आपने क्यों दिया उसे? हम पैसे नहीं निकाल के देते फिर। अच्छा, ये मतलब पहले से शर्त थी कि 12,000 रुपए आएगा, 1,000 आप देंगे? हम ले लेंगे, 11,000 आपको दे देंगे। आइए हम इनका 11,000 में जो शौचालय बना है वो हम दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए 11,000 रुपए का ये शौचालय है, आप हमारे साथ बनिए। 11,000 रुपए का इन्होंने ये शौचालय बनाया जो जियो मानक से परे है, ना ही ये जियो के अंतर्गत आता है ना मानक में आता है। 12,000 रुपए इनके खाते में आते हैं, जो इनको पहले शर्त रखी जाती है कि आप 1,000 रुपया निकलवा के हमें देंगे, 11,000 हम आपको देंगे, तब जाके आपका पास करेंगे। ये इस शर्त पे मंजूर हैं, ये राजी हो जाती है और 12,000 रुपये निकालती हैं, 1,000 रुपये उसको मुन्ना लाल को दे देती है जो प्राइवेट एक कर्मचारी रखा गया है, उसके एवज में इनका ये शौचालय तैयार करके दिया जाता है। आप देखिए जियो से बाहर है, मतलब योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है इस गाँव में, जबकि इस गाँव में सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो माननीय श्री CM के चाहने वाले हैं, उनके प्रिय हैं। इसी वजह से प्रधान चारू शुक्ला, प्रधानपति संजय शुक्ला इस गाँव की सेवाओं से वंचित रखे हुए हैं, इनको सुविधाएं नहीं दी जा रही। आप बने रहे हमारे साथ आर चेतना न्यूज से, यूसुफ इदरीसी कैमरामैन मोहित के साथ। मीरा देवी की माने तो उनके पास रहने की जगह नहीं है, लेकिन विकास जीरो। आइए मैं बात कराता हूँ इनसे। दीदी, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी, आप यहीं रह रही हैं? हाँ, यहीं रह रही हूँ। आप यहाँ पे रह रही हैं, ये आपको आवास मिला है? नहीं मिला। क्यों आवास नहीं दिया गया? देते ही नहीं है। रहती कहाँ, इसमें रह रही है? देखिए इस बंगले में ये रह रही है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, कैसे अपना जीवन यापन कर रही है आप देख सकते हैं। आवास क्यों नहीं देते? देखते नहीं, जाते हैं तो ऐसे ही बता देते, मिल जाएगी। आप पंचायत भवन गई? ये दीदी पंचायत भवन गई, एक लेडीज हैं, एक हाथ से दिक्कत है इनको, एक हाथ नहीं है इनका, किसी कारण बस करंट लग गया, उसमें एक हाथ इनको खोना पड़ा। ये यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग दूरी, 4-5 किलो पैदल चल के पंचायत भवन जाती हैं, अपनी समस्या कहती हैं वहाँ पे, लेकिन वो इग्नोर कर देते, कभी कभी वहाँ कोई अधिकारी इनसे नहीं मिलता, ये इनका आरोप है। आप वहाँ पे आप जब गई तो आपसे क्या बताया गया? आपने आवाज के लिए उनसे कहा? हाँ कहा। क्या मांगते हैं? इससे पैसे मांगते हैं। अच्छा, आप कौन है? माँ। माता, क्या नाम है आपका? कंचनिया देवी। इनसे पैसे मांगे? हाँ। कितने रुपए मांगे? 20,000। 20,000 रुपए मांगे किसने? जहाँ पर गई थी। आप देख चुके हो कि वहाँ पंचायत भवन ठेके पे चलता है, या मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ अपने चैनल के माध्यम से, वहाँ इनसे पैसे मांगे। कितने पैसे मांगे? 20,000। 20,000 आपने दिए? नहीं दिए हम। जब ये 20,000 नहीं दे पाए तभी इनका शौचालय यहाँ और आवास इनको नहीं मिल पाया। शौचालय मिला आपको? कुछ नहीं। शौचालय यानी भारत सरकार की सुविधाओं से वंचित है? कुछ नहीं। आप योगी सरकार से खुश हैं? हाँ।
योगी सरकार से ये सारा गांव खुश है, इसीलिए इनको विकास इनका नहीं हो पाया। प्रधान ने विकास करवाना जरूरी नहीं समझा। आप बने रहे हमारे साथ आर चेतना न्यूज से यूसुफ इदरीसी। प्रधान ने आवास दिलाने की बात कही थी, इसके लिए कुछ रुपए भी मांगे थे, रुपए नहीं दिए तो आवास नहीं मिला। कई महीने तक ग्राम प्रधान ने आवास के लिए दौड़ाया। ग्रामीणों ने बताया कि जिला स्तर के उच्च अधिकारी प्रधान चारू से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को दिए गए आवास की जानकारी मांग लें तो सभी आंकड़े भीरा ग्राम प्रधान चारू शुक्ला नहीं दे पाएंगे। संवाददाता यूसुफ इदरीसी की रिपोर्ट।